हमीरपुर जिला के नादौन में 3 से 5 नवंबर तक एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मैराथन स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और इंडियन राफ्टिंग एसोसिएशन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चैंपियनशिप के लिए महिला, पुरुष और मिक्स्ड वर्ग की 12 अंतर्राष्ट्रीय टीमों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों, थल सेना, BSF और अन्य अर्धसैनिक बलों तथा हिमाचल की स्थानीय टीमें भी इसमें भाग लेंगी। जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि नादौन में रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहां चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और संभवतः मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन या समापन समारोह में भाग लेंगे। उपायुक्त ने कहा कि चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए उप समितियाँ गठित की गई हैं और इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राफ्टिंग के स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट पर और इनकी ओर जाने वाली सड़कों की मरम्मत अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर इंटरनेशनल टीम्स भी हैं, नेशनल टीम्स भी है, लोकल टीम्स भी है, इसका आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में किया जा रहा है और इंडिया राफ्टिंग फाउंडेशन इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रदेश को दे रहा है। ये राफ्टिंग चैंपियनशिप पहले सितंबर के एंड में होनी थी, लेकिन आपदा के चलते इसको डिले किया गया और अभी नवंबर फर्स्ट वीक में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हम इसमें कल्चरल इवेंट्स भी इसमें आयोजित करेंगे ताकि एक जो पर्यटन है उसको एक्टिविटी की दृष्टि से भी और संस्कृति की दृष्टि से भी दोनों तरीके से लोगों को दिखाया जा सके कि हमारा जो हमीरपुर का क्षेत्र है वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं।